हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे डेट ऑन दी नाइल। ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलती है और अच्छी बात यह है कि ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे की है और कहानी एक एडेप्टेशन है क्राइम नॉवेल की, जिसे लिखा है अगाथा क्रिस्टी ने। और इस नॉवेल पे पहले 2 बार मूवीज बन चुकी है, हालांकि एक बार मूवी बनी थी और एक बार एक पूरा एपिसोड बना था, और ये थर्ड बार इस पर्टिकुलर क्राइम नॉवल पे कोई मूवी बनने जा रही है। खैर, इस मूवी को डायरेक्ट किया कैरेट ब्रनाग ने, जिनकी लास्ट मूवी थी मर्डर ऑन दी ओरिएंट एक्सप्रेस, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दैट ऑन दी नाइल से पहले ये मूवी देख लेना। खैर, मजे की बात यह है कि केनेट ब्रनाग ने सिर्फ इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट नहीं किया बल्कि इसमें एक्ट भी किया, और जो एक मेन कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर मूवी का वो उसने प्ले किया, डिटेक्टिव पायरो का, पायरो पायरो डिटेक्टिव पायरो का। मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी वैसे तो स्टार्ट होती है 1914 से, जहां पर हमें नजर आते हैं डिटेक्टिव पायरो बेल्जियम में, और बेसिकली उनकी थोड़ी बहुत ओरिजिन बताने की कोशिश की है। लेकिन एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है 1937 से, जहां पर हमें नजर आती है गैल गैडोट एज लिनेट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे वाली रिच लेडी होती है। लेकिन लिनेट के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, लिनेट के भाई पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट ऑफ आता है जब लिनेट की फ्रेंड जैकी के फियांसे पर लिनेट का दिल आ जाता है, और सिर्फ 6 महीने के बाद ही लिनेट अपनी ही फ्रेंड जैकी के फियांसे से शादी कर लेती है। तो वैसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंटर्स आते हैं, कैसे किसका मर्डर होता है और ये मर्डर करता कौन है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो, मैं आपको ये मूवी के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि मर्डर मिस्ट्री तो है, लेकिन वो चीजों को बताने में अच्छा खासा वक्त ले लिया, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा लिया है चीजों को धीरे 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 आगे बढ़ाता है। और इतना धीरे कछुए की तरह चला रहे कि वो उसमें आदमी का जो मजा है वो इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर जब 1 घंटे के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो फिर अपने अंदर कुछ खास इंटरेस्ट बनता है नहीं। मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो यह सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन जितने भी इजिप्ट के सीन से, चाहे वो पिरामिड्स हो चाहे वो सनसेट हो, ये सारी चीजें ना मोस्टली फेक नजर आती है। मतलब वो जो रियलपन है ना वो नजर नहीं, उल्टा ऐसा लगता है कि जो सीजीआई है वो बहुत ही गंदी तरह से किया गया, ऐसा मुझे लगा था पर्सनली। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं। फिलहाल मूवी में कॉस्ट्यूम्स और 1937 के उस ईरा को बहुत ही अच्छी तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की है। कैरेक्टर्स की बात करते तो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, लेकिन हर कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि यस, आप कॉन्टिन्यूसली ये सोच सकते हो कि यार ये खून करेगा या ये खून की होगी। बट प्रॉब्लम ये हम जैसे रिव्यूअर्स के साथ या हम जैसे मूवी लवर्स के साथ, कि हम लोग इतनी सारी मर्डर मिस्ट्री देख चुके हैं और इस पर्टिकुलर मर्डर मिस्ट्री को देखे तो कुछ ही पल बाद, इस मूवी के शुरुआत के बाद ही हमको आइडिया हो जाता है कि भाई किसने किया है। और इनफैक्ट मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से, तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी ना, वो एक्सपेक्टेशन कुछ इतनी खास हुई नहीं यार इस मूवी को लेकर। खैर, अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ जो कि इस मूवी में देखने लायक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें केनेट ब्रनाग की, जिसने यहाँ पर पायरो पायरो का रोल प्ले किया है। यार, कमाल का एक्सप्रेशन थे, कमाल के डायलॉग डिलीवरी थी, मजा आया उनको देखकर। उसके अलावा गैल गैडोट की बात करूँ तो यार, सिजलिंग हॉट कोई अगर एक्ट्रेस है हॉलीवुड में तो वो यही है, और वो अपने इस पर्टिकुलर रोल में बहुत ही गजब की लगती है। मुझे तो क्लियोपेट्रा ही नजर आ रही थी। उसके अलावा अली फजर, हमारे गुड्डू भैया को कैसे भूल सकते हैं यार, हमारे इंडियन एक्टर अगर किसी हॉलीवुड की मूवी में नजर आया तो मतलब बहुत ही प्राउड फीलिंग है यार। अली फजल का रोल अच्छा है, ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना स्क्रीन टाइम ही है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया भाई, मजाक नहीं करो। अली फजल नेक्स्ट इरफान खान बन सकते हॉलीवुड के। वैसे यार, इस मूवी को देखते दौरान पता नहीं क्यों मुझे नाइफ्स आउट, जो कि 2019 में आई थी, ये भी एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें हमें नजर आए थे डैनियल क्रेग। अब ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा था या आप लोगों के साथ भी हुआ या ऐसा आप लोग को भी होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मूवी अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली देखो, इट्स अ वन टाइम वॉच, एक्सपेक्ट मत करना ज्यादा कुछ क्योंकि वो इतना मजा आपको नहीं दे पाएगी। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में कुछ हॉट डांस है जो कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, और एक दो किसिंग सीन है, बाकी उसके अलावा कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं है जो आप लोग नहीं दे सकते, तो आपकी मर्जी। और अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी को देखा तो आपको क्या लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी आप लोग मुझे बताओ। तो यार बस बाय।